हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ स्किन डिजीजेस के बारे में। स्किन डिजीजेस एक अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसके सब कुछ तो मैं आज नहीं बता सकती, बट आपकी कोई भी क्यूरी है, आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना के अपलोड करूंगी और भी अदर टॉपिक्स हैं उनके लिए मैं अपलोड करती रहूंगी। देन इसमें सबसे पहले अपन आते हैं, आज मैं आपको क्या क्या बताऊंगी। आज मैं आपको स्किन डिजीज के बारे में बताऊंगी, इनकी मॉडलिटी बताऊंगी, इनके टाइप्स बताऊंगी, इनका प्रिवेंशन बताऊंगी, कॉजेस बताऊंगी और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स भी बताऊंगी। देन सबसे पहले अपन आते हैं इनके टाइप्स में। ये दो टाइप की जनरली होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी जो होती है पर्टिकुलर, इसको अपन बोलते हैं कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, मतलब किसी चीज के जब तक आप कॉन्टेक्ट में रहते हैं तब तक वो चीज होना, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे ठीक हो जाना। जैसे कि शू बाइट जो है, आपको जब तक आप उस शूज, आपको अगर कंफर्ट नहीं है, अनकंफर्ट है, वो आपको इरिटेट कर रहा है, वहां आके आपका अल्सर्स बन, लीजन्स बन जाना तो, और उसमें पेनफुल हो जाना, तो ये कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस में आता है। जिससे आपका बैड सोल भी आपके अगर कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट में है तो वो वहां पर आपका अल्सर्स बना देता है और वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो जनरली वो बैड सोल्स होता है बैड रस्ट वालों को होता है। अगर वो परमानेंटली आपको बैड रस्ट है और कॉन्टेक्ट में बने हुए हैं आप उस चीज के, तो वो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। देन इसके अलावा जैसे हो जाता है आपका केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में रहना, जैसे जो लोग फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं या केमिस्ट होते हैं, उनका कंटिन्यूस एक केमिकल के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो उसकी वजह से उनको डिजीजेस होना। देन जनरली ये फीमेल्स में एक चीज होती है कि ज्यादा सोप्स और डिटर्जेंट के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से हाथ में उनके काफी डिजीज हो जाती है, पेनफुल हो जाते हैं, स्किन ड्राई और स्केली हो जाती है, ब्लड तक आने लग जाता है, तो ये जनरली कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस में आते हैं। देन परमानेंट में आते हैं, तो परमानेंट भी एक टफ टॉपिक है, क्योंकि परमानेंट जो स्किन डिजीजेस होती हैं वो या तो ठीक नहीं होती है जल्दी, और जल्दी ठीक होने के बाद भी वो कभी भी रिटर्न आ जाती है, जैसे सोराइसिस होता है, अल्सर्स होते हैं, ये सारी परमानेंट में आती है। देन इसके अलावा अपन मॉडलिटी देखें, इसकी एक मॉडलिटीज भी होती है। मॉडलिटी में क्या होता है कि मतलब आपका किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। जैसे कि कुछ डिजीजेस होती है जो सिर्फ विंटर्स में ही आपको आती है, विंटर्स में मतलब आपको जब भी विंटर्स आएगा आप स्किन डिजीज बढ़ेगी, और विंटर्स आने के बाद वो कम हो जाती है तो आप सोचते ठीक होगी, बट वो दोबारा विंटर आने पे वापस वो रीओरिजिन हो जाना उनका। जैसे ड्राई स्किन, सोराइसिस जनरली विंटर्स में ही होते हैं। देन सम डिजीज होती है जो कि गर्मियों में, समर्स में इंक्रीज होती है, जैसे आपने देखा होगा पसीने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से आपको वहां पर स्किन रैशेज, ईचिंग, पेनफुल स्क्रैचेस होने के बाद ब्लीडिंग, ये सारी चीजें दिखाई देती है। जनरली ये फोल्ड्स में होती है, आपके जितने भी फोल्ड्स होते हैं आपके हैंड्स के, जहां ज्वाइंट्स होता है, फोल्ड होता है, वहां जहां पसीना ज्यादा आता है, आपके जेनिटल एरिया में, आपके जहां जीन्स वगैरह आप पहनते हैं, तो वो उधर पर पर्टिकुलर वहां पर स्वेटिंग ज्यादा होने की वजह से ईचिंग, लीजन्स, रैशेज, रेडनेस, डिस्कलरेशन, ये सारी चीजें होने लग जाती है। देन कोई कोई डिजीजेस होती है जो सिर्फ रेनी वेदर में आती है, रेनी वेदर्स में जनरली जो डिजीज होती है वो थोड़ा सा पस वाली होती है, कि उसमें पस सेल्स आ जाते हैं। देन इसके अलावा अपन आते हैं अब सिम्टम्स में। सिम्टम्स में आएंगे तो वही मैंने आपको बताया कि इसको अपन बताती हूँ, जैसे कि अपेरेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले आता है इचिंग, जिसमें अपेरेंस में आपको कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ इचिंग होती है, इसको स्कैबीज बोलते हैं। तो सिर्फ इचिंग होना ऑल टाइम आपको, बट आपके स्किन लीजन्स या उसमें कुछ और नहीं होता है। तो और फिर उसके अलावा आता है सिम्टम्स में लीजन्स के बाद एक्जिमास होते हैं। एक्जिमास में क्या होता है, उसमें स्किन लीजन भी हो जाते हैं, आपको जहां स्क्रैच करते हैं वहां पर एकदम ड्राई स्किन हो जाएगी, सर्कल में आपको वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी, इररेगुलर सर्कल्स हो जाएंगे, समटाइम्स जैसे आप स्क्रैच करते हैं तो लाइंस बन जाती हैं, और उस जगह पर स्क्रैच की जगह पे ब्लीडिंग हो जाना, इचिंग होना, बर्निंग होना, ये सारी चीजें होती है। देन इसके अलावा होती है अल्सर्स, जहां पर पस भी फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पर घाव जैसा बन जाता है, और वहां से स्किन धीरे धीरे मसल्स तक पहुंच जाता है, डीप भी होता जाता है समटाइम्स। देन क्रैक्स हो जाना, आपके हील्स में क्रैक्स होना, आपके हैंड्स में क्रैक्स हो जाना, स्किन भी समटाइम्स ड्राइनेस की वजह से क्रैक होती है। देन एक होता है ग्रोथ होना,
एक्स्ट्रा ग्रोथ होना, जिसको अपन वॉट्स बोलते हैं, मस्से बोलते हैं, वो स्किन को कहीं कहीं पे भी इररेगुलर ग्रोथ हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं वॉट्स। देन डिसकलरेशन, डिसकलरेशन मतलब समटाइम्स आपने देखा होगा डिसकलरेशन हो जाना, आपकी स्किन में ब्राउन पैचेस, येलो पैचेस बन जाना। देन एक होता है आपका पिंपल्स, एक भी ये भी सिम्टम्स है जिसमें आपका पिंपल्स होते हैं, बॉइल्स होते हैं, जो कि आपको बॉइल्स फेस पे जनरली हो जाते हैं। देन अब अपन आते हैं कॉजेज में, कॉज देखेंगे तो ये जनरली बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइट, देन आपके जनरली ये कॉजेज होते हैं। इसके अलावा आपको जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, देन किसी इलनेस के वजह से भी होते हैं, जैसे आपको डायबिटीज, थायराइड कोई इलनेस है उसके बाद स्किन में इचिंग, रैशेज आ जाना, ये किसी इलनेस के बाद से होना। देन इसमें कॉजेज में स्ट्रेस भी एक कॉमन कॉज होता है, और स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस, एक्जिमा हो जाते हैं, एलोपेशिया इरेक्टा हो जाता है। एलोपेशिया इरेक्टा आपने देखा होगा जनरली ये स्ट्रेस की वजह से होता है, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम के डिस्टरबेंस की वजह से होती है, और इसमें पैचेस बन जाते हैं आपके हेयर्स में, पैचेस में हेयर्स चले जाना। देन ये भी एक स्किन डिजीज है। देन ये जो होती है ऑटो इम्यून डिजीज है, वीकनेस ऑफ आपके इम्यून सिस्टम की वीकनेस की वजह से होती है। देन अब अपन आते हैं प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन जो है, सबसे पहले आपको स्किन डिजीज के लिए प्रिवेंशन के लिए चाहिए कि आप कभी भी कोई भी चीज यूज करते हैं वॉश करके करें, आप कोई भी चीज खाते हैं तो अच्छे से हैंड वॉश करिए। देन कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस जो मैंने आपको बताया, उसके प्रिवेंशन के लिए कि कंटिन्यूस किसी भी चीज के कॉन्टेक्ट में नहीं आना, या इवन किसी डिजीज पर्सन के भी आपको कॉन्टेक्ट में आने से बचना होता है, तो ये आपके प्रिवेंशन में आता है। देन पब्लिक प्लेसेस जो होती है जनरली, जैसे आपने जिम हो गया, ट्रेन होगी, बसेस होगी, जो पब्लिक प्लेसेस होती है वहां पर हर जगह टच नहीं करना, क्योंकि वहां पर डर्मेटाइटिस वही आपका किसी भी डिजीज पर्सन या बहुत ज्यादा डर्ट की वजह से भी आपको स्किन डिजीजेस आती है। देन आपको प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी होता है, आपको स्ट्रेस से बचना जरूरी है, प्रॉपर डाइट लेना जरूरी है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो आपका ठीक रहे। देन वैक्सीनेशन जो होती है काफी, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह के लिए वैक्सीनेशन वगैरह भी होती हैं, तो आपको अपनी वैक्सीनेशन पूरी लेना। देन अपनी स्किन को मॉइस्चर रखना, मॉइस्चराइजिंग करते रहना, जैसे आप बार बार हैंड वॉश करते हैं या वो सोप डिटर्जेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ड्राइनेस की वजह से स्किन डिजीज होती है, तो आपको मॉइस्चर करके अगर रखते हैं अपनी स्किन को तो जल्दी डिजीज कंडीशन में नहीं आती है। देन प्रोटेक्ट करना एक्सेसिव कोल्ड से, हीट से, विंड से, इन सबसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज होती है वही ठंड में, मैंने जैसे बताया ज्यादा ठंड की वजह से या हीट की वजह से होती है, स्वेटिंग वगैरह में सन के एक्सपोज की वजह से, तो और काफी कोल्ड विंड्स जो होती है, हॉट विंड्स होती है, उसकी वजह से स्किन डिजीजेस हो जाना, तो ये सब आपके प्रिवेंशन में आ जाता है। अब आते हैं हम अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैंने जैसे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके कॉज पे डिपेंड करता है और आपकी सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं। बट मैं थोड़ी भी आपको मेडिसिन बताती हूँ, जैसे सबसे पहले होती है एक सल्फर मेडिसिन, जो कि आपकी इचिंग और स्पेशली जो समर वेदर्स की इचिंग होती है, रैशेस होते हैं, अल्सर्स होते हैं, डिजीज होती है, उसमें वर्क करती है। अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, स्केली स्किन है, स्केल्स निकल रही है आपको, तो उसमें जो मेडिसिन होती है मिजेरियम मेडिसिन होती है। देन अगर आपको बहुत ज्यादा फोल्ड्स में अगर आपके स्किन डिजीज हो रही है, समटाइम्स आपने देखा हो कान के पीछे आपको एक इरोजन टाइप का बन जाता है और उसमें से पस टाइप का निकलता है, तो ये होती है, इसके लिए होती है मेडिसिन ग्रेफाइटिस मेडिसिन होती है। और इसके अलावा जो और भी स्किन डिजीज है, जैसे ठंड में होती है तो पेट्रोलियम मेडिसिन हो जाती है। बट कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, क्योंकि हर सिम्टम्स वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और उसके लिए आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप मुझसे भी कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे जीमेल आईडी पे मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं, मैं आपको उस पर कंसल्टिंग दे सकती हूँ। मेडिसिन जो है आप अपने आप नहीं लेंगे, क्योंकि हर मेडिसिन का एक अलग सिम्टम्स होता है, हर पर्सन की एक अलग मेडिसिन हो जाती है। मैं आपको इसमें मेडिसिन के बारे में काफी कुछ बताऊंगी, और आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना अपलोड करूंगी। थैंक यू।